उसको लिखी रोज पाती, और भी गीत हम लोग गाएंगे, और आई थिंक दिस सेशन विल बी अ हिलेरियस वन टुडे अगेन आफ्टर रफी साहब. फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से हर पल मुझे तू सताती. तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे के माला में धागा. हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में बहके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू. छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला. हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए. जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए. आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा. तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबको किनारा. हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार. हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार कई कई बार कई.
कई बार, हाँ कई कई बार। थैंक यू वेरी मच। सो किशोरदा के इस गीत के साथ ही एक रिमाइंडर आपके दिलों में आया होगा, दिमाग में आया होगा कि आज किशोरदा का जन्मदिन है और किशोर के ही प्रति समर्पित है ये प्रोग्राम, ये टॉक शो, आज का टॉक सेशन। और किशोर कुमार को यदि आप देखिए तो किशोर कुमार न केवल एक सिंगर थे, वो एक प्रोड्यूसर थे, वो एक म्यूज़िक कंपोज़र थे, वो एक आर्टिस्ट थे। और किशोर कुमार एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और माँ सरस्वती का उनके ऊपर चार गुना ज़्यादा मुझे लगता है आम आदमी से, आम आर्टिस्ट से बड़ा आशीर्वाद था। और बचपन से ही होनहार, बचपन से ही खुश दिल मिजाज। और किशोर कुमार, अनूप कुमार और सबसे बड़े भाई अशोक कुमार गांगुली, ये तीनों की बहुत अच्छी एक जोड़ी थी। खंडवा से आते थे ये मध्य प्रदेश में। और किशोर कुमार से पहले अशोक कुमार फिल्मों में आ गए थे और बहुत अच्छा उनका एक मुकाम हो गया था। इनका किशोर कुमार का जन्म 1929 में हुआ था आज ही के दिन। और जो इनका पहला नाम था वो आभास कुमार गांगुली था, हालांकि इन्होंने बाद में शादी के लिए अपना नाम भी चेंज किया था, उसमें मैं बाद में आऊँगा। लेकिन बहुत से ऐसे बातें हैं जो किशोरदा के ऊपर उनको याद करने भर से जो है वो कई कई चीज़ें जहनियत में उभर जाती हैं, चाहे झुमरू हो, चाहे श्रीमान फंटूश हो, चाहे प्यार किए जा फिल्म हो, चाहे हाफ टिकट हो, और बहुत सी ऐसी ऐसी फिल्में थी। असल में किशोरदा ने जब तकरीबन 44, 45, 46 में अपना करियर शुरू किया तो शुरुआती दिनों में उन्हें फिल्में अपने भाई की वजह से मिली, अशोक कुमार की वजह से मिली। और तकरीबन 57, 55, 56 तक आते आते उन्होंने करीब 22 फिल्में की जिनमें से 16 फ्लॉप रही, लेकिन हार नहीं मानी इन्होंने और अपनी एक जगह बनाए रखी और सिंगिंग की तरफ, गायकी की तरफ जो है वो रुख कर लिया। अनुराग कश्यप जैसे जो लोग हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स, वो सोच रहे हैं कि किशोरदा के ऊपर कोई बायोपिक जो है वो बनाई जाए, और मोस्ट प्रॉब्ली उसमें इट्स वेरी लाइकली दैट रणबीर कपूर माइट प्ले किशोरदा। और किशोरदा जो है वो देखिए, एक बायोपिक तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी शख्सियत जिस शख्सियत में फुल ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स हो, यानी वो अगर पागल थे तो वो पागल थे, यदि वो संजीदा थे तो वो संजीदा थे, यदि वो एक्टर थे तो वो एक्टिंग भली करते थे, यहाँ तक के जो है वो मर्द और औरत की आवाज़ें इकट्ठा निकाल देते थे गाने में भी। और आके सीधी लगी दिल पे ऐसी कटरिया हो रे गुजरिया, ये गीत था जो उन्होंने मेल फीमेल वॉइस में जो है वो गाया था। किशोर कुमार की अगर ज़िंदगी को देखें तो जो निजी ज़िंदगी है, उनके बेटे हुए एक तो सुमित कुमार और एक अमित कुमार, और चार उन्होंने शादियां की। पहली रूमा घोष से की, वो एक बंगाली सिंगर थी, लेकिन वो 7-8 साल ही शादी चली। और उसके बाद इन्होंने, बहुत कठिन दौर था मधुबाला के लिए जब वो बीमार थी, और जब वो बीमार थी उस समय किशोर ने उनको प्रपोज़ किया और उनसे शादी की, यहाँ तक कि अपना धर्म भी जो है उन्होंने परिवर्तित कर लिया और अब्दुल करीम नाम रख लिया। लेकिन इसके बावजूद भी उनके घर में मधुबाला को वो स्थान जो है वो नहीं मिल पाया। और लेकिन किशोर कुमार टिल द डेथ ऑफ मधुबाला, उनकी इतनी आर्थिक भी, फाइनेंशियल मदद भी की और वैसे भी एक संबल बने रहे मधुबाला के लिए, और उनके आखिरी दिनों तक उनको शी हैड अ होल इन हर हार्ट, एक वो जैसे कंडीशन होती है, सो शी डाइड अर्ली। और लेकिन किशोरदा ने उनका जो है वो साथ नहीं छोड़ा, और बहुत जो शिद्दत के साथ और बहुत ही अकीदत के साथ उस बीमार औरत की भी उन्होंने सेवा की।
योगिता बाली से भी उन्होंने शादी की, जो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई, और मेरे ख्याल से उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती से शायद शादी कर ली थी, और लीना चंद्रावरकर से फिर बाद में शादी की, और उनसे भी एक बेटा जो है वो इनका हुआ। किशोरदा की एक, हालांकि उन्होंने हज़ारों गीत गाए हैं, हज़ारों ही गीत गाए हैं, और हर गीत में उनकी एक ऐसी लचक है, एक ऐसी कसक है, एक ऐसी कशिश है, एक ऐसी लर्जिश है उनके ज़बान में, उनकी वॉइस में, कि कहने वाले ये कहते हैं कि माइक के असली जगह जहाँ छूना चाहिए आवाज़ को, वहाँ उनकी आवाज़ छुआ करती थी। और एक मर्दाना जो है वो जोश जो है वो आवाज़ में था, और उसमें कहीं कोई ज़्यादा रस्टिसिटी नहीं थी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अनकाउथ एलिमेंट ऐसा नहीं था, चाहे वो कितने ही फुअर तरीके से गाते रहे हों, कई गानों में तो बहुत ही ज़्यादा जोश भर के हाथ पांव इधर उधर मार मोर के जो है वो किशोरदा गाया करते थे। और उनकी एक और भी खासियत थी कि जितने वो खेलते खाते पीते खेलते कूदते इंसान थे, उतने ही उनके अंदर सीरियसनेस बहुत थी। कई फिल्में उनकी दूर गगन की छाओं में, दूर का राही वगैरह, जिनमें उनके अपने प्रोड्यूस किए हुए गाने, कंपोज किए हुए गाने, लिखे हुए गाने, मैं एक दो गाना आपको वो भी सुनाऊंगा, बड़ी कठिन बंदिश का है और किसी भी गायक के लिए एक टेस्ट हो सकता है। किशोर कुमार को यूडलिंग का बड़ा शौक था। यूडलिंग जो है वो ज़्यादातर वेस्टर्न जो लाइट रेंडरिंग है ऑफ सॉन्ग्स, उसमें ज़्यादातर होती है, लेकिन किशोर कुमार ने कुछ सॉन्ग्स में यूडलिंग का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। मैं भी अभी आपको शायद एक गीत गा के कोशिश करूँगा कि यूडलिंग मुझसे भी थोड़ी सी हो जाए, जिनमें झुमरू मैं हूँ झुम 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 झुमरू ये गीत था एक, और तुम बिन जाऊँ कहाँ ये गीत था, चला जाता हूँ किसी की धुन पे धड़कते दिल के तराने लिए, और जिंदगी का सफ़र ये गीत थे बहुत। एक और देवानंद का गीत था, मुझे याद आ रहा है, ये दिल ना होता बेचारा। बहुत से गीत जो है वो यूडलिंग के सहारे उन्होंने बहुत अच्छे चलाए और बहुत अच्छे वो मकबूल भी हुए। किशोर कुमार को अपनी टर्म्स के अलावा किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई शौक़ कभी नहीं था, और वो हमेशा अपनी ही शर्तों पे अपनी ही बातों को मनवाया करते थे, और इतने कड़क इंसान थे कई बार तो लगता था कि भाई ये किशोर कुमार है ही नहीं, क्योंकि जो पर्दे पे देखते थे, जो कानों में आवाज़ उनकी सुनती थी, वो एक अजीब सी जो है वो एक कशिश भरी होती थी। लेकिन कई कई जगह जो प्रिंसिपल स्टैंड की बात आती है, तो एक बार कहते हैं संजय गांधी ने इमरजेंसी के दौरान, ही वॉन्टेड किशोर कुमार टू परफॉर्म फॉर कांग्रेस फॉर अ कांग्रेस फंक्शन एंड टू सिंग सॉन्ग्स ऑन स्टेज फॉर कांग्रेस एंड ही रिफ्यूज्ड। और विद्याचरण शुक्ल उस टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हुआ करते थे, वो जो है उन्होंने ही इंश्योर्ड के किशोर कुमार के गाने जो है वो ऑल इंडिया रेडियो पे बंद कर दिए जाएं, बैन कर दिए जाएं, और ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि इमरजेंसी नहीं हट गई थी। इससे आगे की तकरीर अभी जारी रखूँगा। लेट मी सी हु ऑल हैव कम एंड लेट मी नाउ सिंग अनदर सॉन्ग फॉर यू। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है। कोशिश करता हूँ अगर मेरे कंप्यूटर में मिल गया तो। ऑल राइट, लेट मी सी हु ऑल हैव जॉइंड सो फार। ऑल राइट, प्रिंसिपल भूपेंद्र सर, राहुल बत्रा, कौमुदी, अनीता चोपड़ा, सोमपाल जागलान, सुशील लांबा एंड बबली, प्रोफेसर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, कोई बात नहीं, लेट हो गए आप, हार्डली मैटर्स, ये तो आप रिवाइंड करके पूरा शुरू से भी देख सकते हैं। राजेश चौहान, यस देर इज़ नो पैरेलल, यस मैं आऊँगा उस पर भी। बीच बीच में एक दो गाना मैं आज जो है वो अपना जारी रखूँगा, क्योंकि कैप्टिव ऑडियंस बड़ी मुश्किल से मिलती है, और जैसा भी आप गाएँ, जैसा भी मैं परोसूँ, आप जो है उसको सुनने के लिए बाध्य रहेंगे जब तक आप मेरे स्क्रीन पे मौजूद हैं। संजीव अरोड़ा जी, वेलकम।
दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। आके आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे यूं खेल अपना हुआ। ये प्यार हमने किया जिस तरह से उसका न कोई जवाब। ये प्यार हमने किया जिस तरह से उसका न कोई जवाब। जर्रा थे लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आपका। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। ये प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। ये प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो फिर आना इसके करीब। हम तो मुसाफिर है कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दाव हमने वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने गीत सुना। और किशोर कुमार को असल में बात जारी रखता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी ने पहचाना तो सलील चौधरी थे। सलील चौधरी भी एक मेरे तो फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स में से हैं। और सलील चौधरी के बाद थैंक यू सुशील सलील चौधरी। हाँ मैं लता जी के साथ भी उनकी केमिस्ट्री की बात करूँगा। सलील चौधरी के बाद यदि किसी ने उनको अपना बच्चा समझ के ग्रूमिंग की और उनकी आवाज़ को मैक्सिमम एक्सप्लॉयट किया, ही वॉज एस डी बर्मन। और एस डी बर्मन देवानंद और किशोर कुमार की ऐसी तिकड़ी थी कि बहुत ही चुनिंदा गीत, बहुत ही चुनिंदा फिल्में, बहुत ही चुनिंदा संगीत जो है वो इन लोगों ने दिया। और किशोर कुमार जब असल में एक पीरियड था जब मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत मशहूर थे और उनको चैलेंज करना किसी के बूते की बात नहीं थी, लेकिन 70 के इस शुरुआती सालों में कुछ ऐसा हुआ कि तीन गीत, महज तीन गीत, कोरा कागज़ था ये मन मोरा मेरा, और ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, और रूप तेरा मस्ताना,
इन तीन गीतों ने किशोरदा को एक ऐसे पेडेस्टल पे लाके खड़ा कर दिया कि देन देर वॉज नो लुकिंग बैक एंड देर वॉज अ टाइम वेन ही स्कोर्ड ओवर सरपास्ट मोहम्मद रफ़ी साहब टू एन एक्सटेंट के मोहम्मद रफ़ी साहब को काम मिलना बहुत बंद हो गया था और जहाँ मोहम्मद रफ़ी उस ज़माने में 4,000 रुपये एक गीत का लेते थे वहाँ किशोरदा जो हुआ 20,000 के करीब का लेते थे। लेकिन इसके चलते किशोरदा के मन में रफ़ी साहब के लिए और मन्ना डे के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी। किशोरदा ने रफ़ी साहब के साथ कुछ गीत गाए और बहुत ज़्यादा गीत तो नहीं है लेकिन कुछ गीत गाए और वो हमेशा ये कहा करते थे अरे साहब वो रफ़ी साहब ये तो क्लासिकल वाले लोग हैं। इनफैक्ट किशोर कुमार को कोई फॉर्मल तरबियत हासिल नहीं थी, उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो नहीं ली थी और बस जो फिर भी जो है उनके जो गीत जो थे वो इतने ज़्यादा मकबूल हुए और इतने ज़्यादा वो एक तबका ऐसा है कि जो किशोर कुमार को भगवान मानता है और किशोर कुमार की आवाज़ में वो रूहानी लय देखता है, वो रूहानी जो है वो ऑडिशन देखता है और सुनता है। कई जगह जो है वो एक खंडवा जो उनका पैतृक जो 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 शहर है वहाँ से वहाँ तो कहते हैं किशोर कुमार का एक मेमोरियल भी बना हुआ है और लोग बाग उनको वहाँ उनकी लाइफ को जानने देखने जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली किशोर कुमार बहुत चाहते हुए भी अपने आखिरी दिनों में खंडवा जाके रहना चाहते थे, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए। और ऐसी उनकी पागलपन की बातें थीं कि उन्होंने ज़िद लगा ली कि मैं खंडवा के मेमोरियल जहां जब लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से वो मेमोरियल है वहां, तो इन्होंने ज़िद लगा ली कि मैं वहां बुलक कार्ट में बैठ के जाऊंगा, एक बैलगाड़ी में बैठ के जाऊंगा। अब वो ये हुआ कि साहब आप बैलगाड़ी में जाएंगे तो पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी और वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो जाए, बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया गया। लेकिन वो फिर भी नहीं माने और उन्होंने वहाँ उस बात का जिक्र किया फंक्शन में कि दैट ही वॉन्टेड टू कम ऑन ए बुलक कार्ट। अब बड़ा पागल आदमी था वो, मतलब अगर आप लता जी से पूछें तो लता जी यूज़ टू से कि मैं कभी स्टूडियो में या स्टेज पे या कभी मुझे ना कोई जो मेल ऑफ द स्पीशी जो है कोई मर्द मेरे नज़दीक नहीं आ सकता था और कोई मैं डिस्टेंस रखा करती थी और फासला रखा करती थी। लेकिन किशोरदा जब भी आते थे चाहे स्टेज पे हों चाहे गेट पे हों चाहे बाहर स्टूडियो के बाहर हों, हमेशा पता लग जाया करता था कि किशोरदा जो है वो आ गए। और ये शख्स जो है वो कहते हैं लता तो ये कहती हैं कि वो जितना हंसाया करते थे उतना कोई हंसा नहीं सकता है, बहुत ही ज़्यादा खुशदिल इंसान, बहुत ही ज़्यादा पागल जिसको कहते हैं, वो असली मानों में कई लोग समझते हैं पागल थे और कई तो जर्नलिस्ट ने भी उनके बारे में जो है वो लिखा है। उनकी पागलपन की तो क्या मिसालें दें, एक सीन था जिसमें वो ड्राइव करके कार ड्राइव करके जाते हैं और ड्राइव करते 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 वहाँ से स्टूडियो छोड़ के और अपने खंडाला फार्म हाउस पे चले गए। बाद में पूछा कि साहब आपने वो सीन छोड़ दिया और आप वहाँ से चले गए, कहते हैं वो डायरेक्टर ने कट तो कहा ही नहीं था इसलिए मैं तो यहाँ चला गया। आनंद फिल्म जो थी उसमें कहते हैं महमूद के साथ जो है ना इनको कास्ट करना था लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी उनके घर पे गए बातचीत करने के लिए तो नौकर को ये हिदायत थी कि अगर कोई बंगाली आए, क्योंकि बंगाली कोई था जिससे इन्होंने पैसे लेने थे, पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा ये तुर्क आदमी थे, अभी वो भी मैं बताऊँगा कि वो कहते हैं कोई बंगाली आएगा जिसको पैसा देना उसको गेट से बाहर निकाल देना। कहते हैं ऋषिदा को बाहर निकाल दिया गया और फिर जो आनंद बनी वो किशोर वो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को लेके बनी। अमिताभ बच्चन को भी एक बार किशोरदा ने कह दिया था वो उनके लिए नहीं गाएंगे। वो फिल्म आई फिर एक बार तूफान नाम की फिल्म थी जिसके लिए शायद वो जो है वो फिर से राज़ी हो गए। और पैसे के बारे में तो इसने पैसे के पीर थे कि बिना पैसे के तो वो एक जिसे कहते हैं कदम भी नहीं रखते थे आगे। और गाने से पहले अपने सेक्रेटरी को पूछा करते थे कि पेमेंट जो वो आ गई कि नहीं आ गई, और कहते हैं एक बार जब पेमेंट नहीं आई हुई थी तो
वो आधे चेहरे पे मेकअप करके चले गए और स्टेज पे पहुंचे तो वो डायरेक्टर ने कहा कि साहब ये क्या है, कहते भैया आधी पेमेंट दी है तुमने तो आधा में आ गया। सो इस तरह की जो है ना बहुत सी हरकतें उनकी ऐसी थी कि कहते एक बार ये सिप्पी साहब थे जो उनके घर गए तो उनको देख के सिप्पी साहब को देख के इन्होंने अपनी गाड़ी बढ़ा ली और सिप्पी साहब पीछा करते रहे उसका, वो कोई बात करना थी। सो दो चार पाँच दस किलोमीटर जब चले गए तो ही वेंट हिज वे एंड सिप्पी साहब वाज सो डिसअपॉइंटेड ही केम बैक। नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग थी कोई, तो वहाँ गए तो सिप्पी साहब ने कहा कि भाई कल आप जो है वो बड़ा आपने तो हरकत ऐसी की कि आप देख के भी चले गए। तो किशोर उनको कहते हैं कि अरे आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, मैं तो था ही नहीं कल, मैं तो कल अपने फार्म हाउस पे था या कहा। सो ही वाज सो फुल ऑफ मैडनेस और मतलब कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं यानी। और जब वो गाते थे तो स्टूडियो में जैसे हंगामा सा एक जो है वो मच जाया करता था। उनकी यूटलिंग का मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ इससे पहले कि मैं अपनी बात थोड़ी सी और आगे चला के और फिर इसको खात्मे की तरफ ले जाऊँ। खात्मे के टाइम भी मैं एक आपको गीत ही सुना के ख़त्म करूँगा जो इनका एक योडलिंग का स्टाइल है, एक गीत है नखरे वाली, वो मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझसे आज वो योडलिंग हो गई तो लेट मी सी। बाकी डिपेंड करता है किस तरह से गला साथ देता है। सो हियर वी गो। ये लोड हो रहा है मेरे सॉफ्टवेयर में, काइंडली बेयर विद मी। यस हो जाएगा। Yes, it's coming. Thank you. Thanks for your patience. नखरे वाली देखने में देख लो है कैसी भोली भाली, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अलबरी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली वो तो कोई और की जो आंखों से समा गई दिल में, निरली रे उड़ली रहू निरली रे उड़ली रहू निरली रे उड़ली रहू। बेरहम बेवफा
अपना कुछ अता पता बता तो दे ओ बेरहम, बेकली बेकसी कुछ तो कम हो फिर से मुस्कुरा तो दे ओ बेरहम। तो कोई और की जो आंखों से समा गई दिल में, युडली रे सो मच प्रोफेसर गुप्ता, प्रिंसिपल उपेंद्र साहब, नेमी शर्मा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इससे पहले कि मैं आज की इस बात को ख़त्म करूं, हालांकि किशोर कुमार एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो ख़त्म नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से, चाहे आप कुछ भी उनके बारे में कह लें ना कह लें, और एक ऐसा इंसान जिसके अंदर जहाँ इतनी सारी ढेर सारी खूबियाँ भी थी, वहाँ जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन एलिमेंट भी उनके कैरेक्टर में उनके पर्सोना में साफ झलकता था। और इनफैक्ट कई जो सीरियस फिल्म्स भी उनकी आई, बड़े सीरियस रोल्स भी उनके, एक मुसाफिर फिल्म थी दिलीप कुमार की, जिसमें दिलीप कुमार का बहुत क्लास अभिनय है, और उसी मुसाफिर में एक पार्ट जो है वो किशोर कुमार के ऊपर फिल्माया गया था, एक अंश जो था उसका, इट वाज इन थ्री पार्ट्स, और एक पार्ट जो है वो किशोरदा पे था। और जो दूर गगन की छाओं में, दूर का राही, कई गीत किशोरदा के स्वयं लिखे हुए, कंपोज किए हुए ऐसे थे कि अंदर के जैसे किसी दर्द को भी वो गाहे बगाहे जो है वो बयान किया करते थे। और जो 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 दर्द था वो भी उनको जैसे छुपाना आता था, बहुत 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 ही क्राफ्ट्समैनशिप की कारीगरी के साथ। हाँ, मैंने जिक्र करना था प्रिंसिपल साहब चलती का नाम गाड़ी का, मैं अभी कर ही देता हूँ। उससे पहले मैं इसलिए ये बताना चाहता था कि एक और क्लास उनकी परफॉर्मेंस थी पड़ोसन में, और पड़ोसन जो मूवी थी उसमें सुनील दत्त जो है वो भोला एक आदमी है और ये म्यूजिशियन है, और क्लास कॉमेडी, मतलब ही वाज अ कॉमेडियन पार एक्सेलेंस, एंड ही वाज एन एक्टर हु कुड डू एनीथिंग फॉर कॉमेडी, एंड ही वुड इवोक यू नो कॉमेडी एंड लाफ्टर एज मेनी टाइम्स एज यू वुड सी हिम, वॉच हिम डू अ सर्टन एक्ट, एंड यू वुड नॉट हेल्प लाफिंग। और जैसे प्रिंसिपल साहब ने याद कराया कि चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी एक ऐसी मूवी थी जब किशोर कुमार और अनूप कुमार, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, और बीच में किशोर कुमार जो है वो थे, और मधुबाला उस फिल्म में थी। बहुत ही क्लास मूवी थी, बहुत ही अच्छी कॉमेडी मूवी, और जिसमें बहुत प्यारे प्यारे गीत जो थे वो बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, और मेरा पाँच रुपया बारह आना, बहुत से गीत ऐसे उसके फिल्म के थे कि वो इट वाज प्योर एंटरटेनमेंट। चलती का नाम गाड़ी एक उन्होंने इन हिज लेटर ईयर्स ही ट्राई टू मेक अनदर फिल्म बाय द टाइटल बढ़ती का नाम दाढ़ी, तो वो इतना ज़्यादा नहीं चल पाई थी, लेकिन जो 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 ट्रायल उसका था, जो जो ट्रायल जो कोशिश चलती का नाम गाड़ी में की गई थी, वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सफल एक्सपेरिमेंट था, और उसमें तीनों भाइयों की बहुत उम्दा एक्टिंग। हाफ टिकट अगेन वॉज अ मूवी जिसमें जो है वो किशोरदा की बहुत प्यारी एक्टिंग थी। जैसे मैंने कहा कि किशोरदा वॉज फुल ऑफ एक्सेंट्रिसिटीज, और ये आदमी ऐसा था कि ये एक लोन रेंजर भी था। दिस मैन वॉज अ लोनर, जहाँ लगता है कि इन्होंने चार शादियाँ की, दो बच्चे पैदा किए, हज़ारों हज़ारों सॉन्ग्स गाए, हज़ारों लोगों को अपना फैन बनाया और हज़ारों लोगों से वाहवाही लूटी, वहाँ कहीं अंदर ही एक बहुत ही अकेला इंसान था। और कहते हैं जब कई बार जर्नलिस्ट उनको इंटरव्यू करने जाया करते थे तो
वो उनको अपने बगीचे में जो पेड़ होते थे उनसे उनकी मुलाकात कराते थे, क्या ये मैं अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। और वो जर्नलिस्ट जो वो हैरान हो जाते थे कि किशोरदा ये क्या कर रहे हैं, बट ही यूज टू से कि यस आई नॉर्मली टॉक टू दीज ट्रीज एंड ही यूज टू वेंट हिज हार्ट आउट बिफोर दोज ट्रीज एंड वो जैसा मैंने कहा कि एक लोन रेंजर थे। एक उनका आखिरी गीत, मैं इस गीत के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। ये गीत बहुत ही कठिन बंदिश का गीत है और किसी भी, मैं कोई बहुत बड़ा गायक नहीं हूँ लेकिन मैं अपना गुनगुना लेता हूँ जैसा भी है, लेकिन ये गीत जो मैं गाने जा रहा हूँ ये किसी भी गायक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यदि वो इस गीत के उतार चढ़ाव को पूरा निभा देता है तो एक अच्छा गायक जो है वो कहलाता है। सो इसी गीत के साथ मैं आज अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। ये सेशन जो है वो किशोरदा के ऊपर डेडिकेटेड था और ये गीत है पंथी हूँ मैं उस पथ का अंत नहीं जिसका। थैंक यू प्रिंसिपल साहब, थैंक यू। एक लड़की भोली भाली सी, एक लड़की भीगी भागी सी, ये चलती का नाम गाड़ी का है। पंथी हूँ मैं उस पथ का अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ मैं उस पथ का अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ मैं उस पथ का, इस पथ पर देखे कितने सुख दुख के मेले, इस पथ पर देखे कितने सुख दुख के मेले, फूल चुने कभी खुशियों के, फूल चुने कभी खुशियों के, कभी कांटों से खेले। जाने कब तक चलना है मुझे इस जीवन के साथ, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी हूँ मैं उस पथ का। संगी साथी मेरे अंधियारे, उजियारे मुझको राह दिखाए,
रे पथिक मेरे पथ के सब तारे और नीला आकाश पंथी हूँ मैं उस पथ का अंत नहीं जिसका आस मेरी है जिसकी दिशा आधार मेरे मन का पंथी हूँ मैं उस पथ का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का न केवल मेरे साथ जुड़ने के लिए बल्कि एक ऐसे शख्स को एक ऐसे संगीत के अवतार को खराज अकीदत पेश करने के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए याद करने के लिए अपने दिलों में बसी हुई उन यादों को एक बार फिर से ताज़ा करने के लिए जो किशोरदा किशोर कुमार के साथ हम लोगों की जुड़ी थी और जो भी आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगता है रफ़ी साहब के लिए भी मैंने इसी तरह की एक म्यूज़िकल सेशन शुरू की पेश किया था और आज किशोर साहब के लिए भी इस तरह का सेशन देने में मुझे खुशी हो रही है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टिल टुमारो टिल नून दिस वाज टॉक शो एंजॉय योर डे थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर फॉर बीइंग विद मी एंजॉय योर डे।